नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रकाश और आप देख रहे हैं द फ्रंट। देश भर में लोगों को प्याज खून के आंसू रुला रहा है, लेकिन संसद में प्याज को लेकर जब बहस होती है तो ठहाके लगते हैं। जी हां, प्याज को की महंगाई को लेकर के सुप्रिया सुले के एक सवाल में जब निर्मला सीतारमण जवाब दे रही थी, उस बीच में कुछ बात हुई और कुछ ऐसी बात हुई कि निर्मला सीतारमण ये कहती है, निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, वो ये कहती नजर आई कि वो ज्यादा प्याज नहीं खाती, वो ज्यादा लहसुन भी नहीं खाती, उनके घर में इसकी ज्यादा खपत नहीं है, इसलिए वो बहुत परेशान नहीं है। और इस बात पे संसद में ठहाके लगे। ये त्रासदी है, देश भर की जनता प्याज की महंगाई से उबर नहीं पा रही है। दिल्ली, एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्याज की कीमतें पिछले एक सप्ताह से ज्यादा से लगभग 100 रुपए किलो चल रही हैं। कोलकाता में ये कीमत 150 से ऊपर पहुंच चुकी है और संसद में ठहाके चल रहे हैं। संसद में ये सारे प्रतिनिधि जनता के होते हैं, संसद में जाते हैं, जनता इन्हें चुन करके भेजती है ताकि ये देश की जनता का भला सोचेंगे, उनके लिए भला करेंगे। प्याज रोटी खा करके जिंदगी बिताने की का जो समय था, जो वक्त था कि मजदूर जो है वो नमक रोटी खा लेता था और एक प्याज खाता था और उसकी जिंदगी गुजर जाती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज प्याज खाने के लिए आपको अपनी जेब मोटे तौर पर ढीली करनी पड़ रही है। 100 रुपए किलो प्याज दिल्ली और एनसीआर में है, आज की कीमत की अगर बात करें तो कोलकाता में ये 150 से ऊपर पहुंच चुका है। देश के लगभग सभी शहरों में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं, क्यों और सरकार क्या कर रही है? संसद में ठहाके लग रहे हैं। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूं जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूं जहां अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। आपको बता दें कि लाखों मीट्रिक टन जो है प्याज देश में प्रिजर्व नहीं किया जाता, उनके भंडारण की सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से खराब हो जाता है, हर साल खराब हो जाता है। और निर्मला सीतारमण जो कि वित्त मंत्री हैं, संसद में उन्होंने प्याज की बढ़ती महंगाई और प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर के जो वो जवाब दे रही थी, उनके जवाब में उनके तर्क बड़े अजीबोगरीब लग रहे थे। वो साफ ये कह रही हैं कि क्योंकि प्रोडक्शन घटा है, क्योंकि लोगों ने खेती कम की है, क्योंकि जितनी मात्रा में खेती पहले प्याज की होती थी, जितनी जमीन पर खेती होती थी, वो ज़मीन घटी है और वो ज़मीन घटी है तो लोगों ने कम फसल बोई है, जिसकी वजह से कम पैदावार हुई है और उसकी वजह से मार्केट में आग लगी हुई है, या मार्केट में प्याज की कीमतें, प्याज की सप्लाई जो है वो कम है, जिसकी वजह से प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। हालांकि निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ये भी बताया कि सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है कि प्याज की कीमतों को काबू में किया जा सके, उन्होंने ये बताया। हालांकि उनका ये तर्क जो है वो समझ से परे है कि ज़मीन घटी है, इस वजह से प्याज की कीमतों में इजाफा हुआ है और पैदावार, लोगों ने कम खेती की है तो पैदावार कम हुई है, क्योंकि भंडारण की कोई बात ही नहीं हुई। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि निर्मला सीतारमण ने यह बताया कि प्याज की कीमतों को काबू में करने के लिए अफगानिस्तान से प्याज मंगाए गए थे, अब जो है वो मिस्र और टर्की से भी प्याज की एक बड़ी खेप मंगाने की कवायद चल रही है और जल्द से जल्द देश में बाहर का प्याज आ जाएगा तो प्याज की सप्लाई जो है वो काफ़ी मात्रा में हो जाएगी और लोगों को प्याज जब मिलने लगेगा तो उसकी कीमत बाज़ार में कम हो जाएगी। लेकिन सवाल कई हैं, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं, प्याज की कीमत लोगों को खून के आंसू रुला रही है, सरकार अब जागी है और जागी भी तो कैसे, ठहाके लगा कर जागी है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।